हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग टू वन क्लिक। फ्रेंड्स, आज इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेक्चर 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और इम्पॉर्टेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए। और ये वीडियो LIC AO 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से क्वेश्चन आना कन्फर्म होता है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे आपके, यहाँ से आपका हेडक्वार्टर, इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर, चेयरमैन अभी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी का आपका जो टैगलाइन है वो आपको बताने को क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या फिर जो रिसेंट स्कीम्स हैं इससे पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैं इस वीडियो में टोटल 8 कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, LIC, GIC, री इंश्योरेंस, NISCL, NICL, UIICL, OICL, ESIC और AICI। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए आप, और कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और आज का जो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में देखते हैं, LIC। LIC स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस टर्म से बात करें या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। ओके, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 19 जून 1956 को, जो एक्ट पास हुआ था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और चेयरमैन है, अभी जैसे रिसेंट अपॉइंट हुए, मार्च का न्यूज है, तो पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने काफी पॉइंट वाइज आपको बताया है, आप इतने भी नोट डाउन कर ले रहे हैं तो आप सफिशियंट हो जाएगा आपके लिए, और यहाँ से आप क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इनका नाम MR कुमार है, चेयरमैन जो है। ओके, और दूसरी चीज आपके लिए एक होमवर्क है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टैगलाइन आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, काफी आसान सा, आप चलते फिरते बहुत जगह सुन चुके होंगे, आपको टैगलाइन मेंशन करना है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो ऑफिसेस हैं 5 जोन में है, 33 डिवीजन है, और कुछ सब्सिडरी हैं जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC पेंशन फंड, LIC इंटरनेशनल, LIC कार्ड सर्विस, LIC म्यूचुअल फंड, और अभी अभी LIC ने IDBI बैंक में अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ा दिया है, और 51% से एवं इनका स्टेक होल्डिंग हो चुका है, इसलिए पैरेंट बॉडी जो है IDBI बैंक है वो अब LIC हो चुका है। और IDBI जो बैंक है गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ सकती है कि IDBI बैंक प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि LIC जो है गवर्नमेंट बॉडी है, बट जब LIC ने IDBI बैंक को परचेज कर लिया, मीन मैक्सिमम स्टेक है, तो IDBI बैंक प्राइवेट से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से प्राइवेट कैसे हो गए? तो ये मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आप जो डायरेक्ट शेयर होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में। ओके, ये यहाँ पर इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है। देखिए, ये थोड़ा मिशन और विजन है LIC का, इसको आप एक बार एक नजर आप देख लीजिएगा, आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट हाँ अगर क्वेश्चन पूछने की कहीं से बात आती है तो पूछी जा सकती है। तो ये मिशन और विजन है LIC का, आप इसको एक नजर जरूर देख लीजिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मिशन है, इंश्योर एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एस्पायर्ड एट्रीब्यूट्स विद कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स एंड बाय रेंडरिंग रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इनका मिशन है LIC का, और विजन जो है अ ट्रांसनेशनली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सोसाइटीज एंड प्राइड ऑफ इंडिया। ये विजन है, तो यहाँ अगर क्वेश्चन आता है तो आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ इनका मिशन क्या था LIC का और विजन क्या था। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में टैगलाइन मेंशन करना है। ओके, और LIC ने जो रिसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाए हैं, प्लान्स हैं, और उसको एक नज़र आप देख लेते हैं। जब स्कीम्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो स्कीम के ऊपर ही है, तो उस समय कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीवन प्रगति प्लान LIC की है, जीवन लाभ है, जीवन न्यू जीवन आनंद प्लान है, जीवन रक्षक प्लान है, और जीवन लक्ष्य प्लान। देखिए, ये जो 5 प्लान हैं ये इंडोमेंट प्लान है, इंडोमेंट प्लान जो हम लाइफ इंश्योरेंस टर्म डील कर रहे थे उस समय बताया था इंडोमेंट प्लान क्या होता है। तो ये 5 प्लान जो है इंडोमेंट प्लान है, और ये आधारशिला प्लान, आधार स्तंभ प्लान, जीवन उमंग प्लान और जीवन तरुण प्लान। ओके, जीवन तरुण जो है आपका ये चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए,
तो ये 8 to 9 प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो न्यूज में हैं, आपको इनके एक नज़र रखना है। देखिए मैक्सिमम चीज़ आप बता सकते हैं जीवन 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 लिखा हुआ है, ओके, जीवन यानी लाइफ, तो यहाँ से आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अब आइए GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। पहले जनरल इंश्योरेंस था, 2002 में ये आपका 2000 में ये री इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ओके। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो स्टैब्लिश हुआ था 22 नवंबर 1972 को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको री इंश्योरेंस कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया 2000 में। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, इसे इनके चेयरमैन जो है मिसेज एलिस जी वैदन, इंपॉर्टेंट है नाम। हाँ देखिए आपको हेडक्वार्टर, चेयरमैन और टैगलाइन जहाँ जहाँ मेंशन है वो आप 100% आप इन तीन चीजों का आप 100% अपनी पोटेंशियल के साथ याद रखिए, क्योंकि 8 कंपनी है, टोटल 24 टर्म्स ही होंगे आपको याद करने के लिए। और यहाँ से इन 24 में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन। तो GIC 1972 को फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ था और 2000 में स्वदेश इंश्योरेंस बना दिया गया। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और ओवरसीज बिजनेसेस भी हैं, ओवरसीज अदर कंट्री में भी ऑपरेशन है इनका, तो दुबई, कोलालंपुर, लंदन, मॉस्को में भी इनका अपना ब्रांचेज हैं। और GIC री इंश्योरेंस साउथ अफ्रीका लिमिटेड जो है GIC का 100% सब्सिडियरी है, यानी GIC का इसमें जो स्टेक है 100% है, GIC री साउथ अफ्रीका लिमिटेड। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो सकता है कि GIC साउथ अफ्रीका लिमिटेड कंपनी में कितना परसेंट GST का ऑनरशिप है, कितना परसेंट स्टेक है, तो आपको 100% टेक करना है, बोले होली ऑन सब्सिडियरी है। नेक्स्ट जो GIC है, एक एक्ट पास हुआ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में, 2002 में, और ये इफेक्ट में रहा आपका 21 मार्च 2003 में, ओके। और इस समय क्या किया गया था, जो भी सब्सिडरी थी GIC की, ये 4 सब्सिडरी थे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में कंट्रोल ले लिया, और ये अब GIC सब्सिडरी नहीं है। और 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GIC को GIC री इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर दिया था, ओके। तो ये जो 4 सब्सिडरी है अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये भी अब, ओके। विजन जो है GIC का, विजन और कोर वैल्यूज एक बार आप देख लीजिएगा, विजन, मिशन और कोर वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपके नजर में होना चाहिए कि हाँ आप कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी पूछ ली जाती है कि हाँ विजन किस कंपनी की विजन है, ओके। तो टू बी अ लीडिंग ग्लोबल री इंश्योरेंस एंड रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर, री इंश्योरेंस टर्म से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये GIC री इंश्योरेंस कंपनी का है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के बजट में अनाउंस किया था कि बैंक के मर्जर्स और इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करने के लिए, तो बैंक्स के मर्जर तो हो रहे हैं अभी, बहुत सारे RRB मर्ज हुए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी, अब बैंक ऑफ इंडिया भी, देना बैंक और विजया बैंक 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएंगे। उसी संदर्भ में इंश्योरेंस कंपनी को भी मर्ज करने की बात हुई थी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में मर्ज किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है कि कब से मर्ज होगा, लेकिन 2018 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि इन तीन इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके सिंगल इंश्योरेंस कंपनी बना दी जाएगी, और अगर ये तीनों कंपनी मर्ज हो जा रहा है तो इंडिया के लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। तो सबसे पहले चीज न्यू इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, जिसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसके स्टैब्लिशमेंट हुए थे, फाउंड इसको फॉर्म किए थे सर दोराबजी टाटा ने 1999 में, ओके। यहाँ से पूछा जाता है सर दोराबजी टाटा के द्वारा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म की गई थी, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ईयर पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, ओके। हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, अभी इसके चेयरमैन है CMD है, चेयरमैन एंड MD है अतुल सहाय, और ये नेशनलाइज हुआ था 1973 में, ओके। 72 नहीं, 1973 में हुआ था। और यहाँ पर टैगलाइन जो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का, इंडिया की प्रीमियम मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी आप बता दूं, क्योंकि ये पहले GIC की सब्सिडरी थी, बट 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और अभी सब्सिडरी नहीं है GIC की, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये इसका और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना फर्स्ट ओवरसीज बिजनेस ओपन किया था लंदन में 1920 में, यानी फॉर्म होने के नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट ईयर इन्होंने अपने लंदन में बिजनेस ओपन किया था। नेक्स्ट है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी फॉर्म एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 सितंबर 1947 को, यानी जस्ट इंडिपेंडेंस
आफ्टर आजादी के जस्ट बाद, मुंबई में उस समय हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, ये याद रखिएगा। उस समय एस्टेब्लिशमेंट हुए थे, फॉर्म्ड हुआ था आपका मुंबई में, बट हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ सकती है। चेयरमैन जो है अभी एवी गिरिजा कुमार, रिसेंट अपडेटेड में बता रहा हूँ, एवी गिरिजा कुमार है। और 31 रीजनल ऑफिस है ओवरसीज ऑपरेशन में, ये नेपाल, कुवैत और दुबई में वर्क करते हैं। जो टैगलाइन है इनका, पृथ्वी अग्नि जल आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, वर्ल्ड ओरिएंटल इंश्योरेंस का। अगेन द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी UIIC, ये फॉर्म हुआ था आपको 18 फरवरी 1938 को, और चेन्नई में हेडक्वार्टर है, और चेयरमैन जो है गिरीश राधा कृष्णन। और यहाँ पर इनका टैगलाइन दिया है, इट यूनाइटेड इंडिया, इट यूनाइटेड इंडिया, इट्स ऑलवेज यू बिफोर आई। ओके फ्रेंड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया का ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग जो है मोटर व्हीकल्स में है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होता है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। और इस्टेब्लिश हुआ था 1906 में, हेडक्वार्टर जो है अभी कोलकाता में है, CMD जो है अभी अपडेटेड है गजेंद्र मुखर्जी। ओके, टैगलाइन जो है ट्रस्टेड सिंस 1906। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी पेपर देने जाएं उस समय एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा CMD और चेयरमैन को, क्योंकि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पुराने CMD और MD को याद करके चले जाएं, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होते हैं, पुराने और न्यू। तो आप पेपर देने से पहले 1 सप्ताह 10 दिन पहले आप करेंट अफेयर अपडेट रहते हैं, तो उसमें आपको अपडेट भी हो जाएगा। तो अपने CMD और चेयरमैन को एक बार चेक रीचेक कर लीजिएगा उस समय। अगला है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये जो है इसमें जो शेयर होल्डिंग है GIC इंश्योरेंस कंपनी की है, नाबार्ड की है, और जो 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि NICL, NISCL, UIIC और OICL जो कंपनी है उनकी शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। और जो मेन वर्क करता है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में पर्सन इंगेज हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ये इंश्योरेंस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। नाम से ही आप गेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की भी कोई इंश्योरेंस बॉडी है। ओके, ये स्टैब्लिश हुआ था कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में 20 दिसंबर 2002 को, 2002 को 2202 में 20 दिसंबर को स्टैब्लिश हुआ था एज अ कंपनी एक्ट 1956। बट अगर आपको क्वेश्चन में अभी आता है कंपनी एक्ट 2013 या फिर कंपनी एक्ट 2013, तो इसको भी आप टिक कर दीजिए, क्योंकि अमेंड होकर कन्वर्ट हो चुका है कंपनी एक्ट 2013 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अभी रिसेंट में जो CM है अल्लामेलुटी लक्ष्मणाचारी, श्रीमती अल्लामेलुटी लक्ष्मणाचारी हैं अभी जस्ट रिसेंट चेयरमैन। ओके, और लास्ट टॉपिक है, लास्ट इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में ESIC बोली जाती है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आते हैं, कि सब्सिडरी है के अंडर में आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। और ये जो इनका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, एंड टू मेक प्रोविजन फॉर क्लीन अदर मैटर इन रिलेशन देयर ऑफ। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, या फिर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके जो बीमार हो जाते हैं, या फिर मैटरनिटी लीव लेनी होती है, या फिर कोई इंजरी हो गई, तो उस केस में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आप सुने होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर 20 वीक मैटरनिटी लीव से बढ़ाकर 26 वीक में कन्वर्ट कर दिया था। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो 26 वीक के पैसे हैं कौन प्रोवाइड करता होगा? तो ये प्रोवाइड करती है आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। या फिर आप कभी ऐसा सुने होंगे कि आपको मेडिकल लीव चाहिए। ओके, मेडिकल लीव, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको मेडिकल लीव चाहिए, बट आप छुट्टी लेते हैं और आपके पैसे नहीं कटते, क्योंकि हमेशा कुछ मेडिकल लीव फ्री होते हैं। तो जो फ्री वाले होते हैं उस चीज के पैसा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी कॉरपोरेशन जो है वो फुलफिल पे करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। चलिए, ये तो बात की बात है, अगर आप ESIC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ESIC वाले काफी डिटेल्स में पढ़ना होता है। ये स्टेचुरी बॉडी है, और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर में 1948 में फॉर्म हुआ था, इस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली,
और इनके चेयरमैन हमेशा होते हैं लेबर मिनिस्टर, ओके, लेबर मिनिस्टर हमेशा होते हैं ईएसएससी बोर्ड के चेयरमैन, और अभी जो रिसेंट में है बांदरू दत्तात्रेय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी आपको माइंड में रखना है ईएसआईसी बोर्ड के हमेशा चेयरमैन जो होते हैं लेबर मिनिस्टर होते हैं जो रिसेंट में। आपका पेपर जो है 28 जून को है, उस समय गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, आई मीन न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं, कैबिनेट चेंज होगा, तो आपको याद करके जाना है, ओके, क्योंकि कैबिनेट में लास्ट में ही आपको सफल हो जाएंगे, ओके फ्रेंड। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, जो मैंने बता दिया आपको, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं वो भी, उनके लिए भी होता है। इसमें क्या क्या आता है, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंसर्ट पर्सन इन देयर फैमिली, आई मीन जो भी इंसर्ट पर्सन है या उनके फैमिली के लिए हॉस्पिटल में आपको डिस्पेंसरी फैसिलिटी देना या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी देख रेख के लिए ईएसआईसी वर्क करता है। आप देखें उनके मैक्सिमम प्लेस पर ईएसआईसी हॉस्पिटल भी है, यानी कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर जाकर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है और ईएसआईसी की डिटेल्स वीडियो में बता दूंगा कभी, तो वहाँ पर जाकर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ओके फिर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।